आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम हिंदी ग्रामर के चैप्टर सर्वनाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने टोटल जो है 18 सेट को पूरी तरह से कंप्लीट किया है और विभिन्न तरह के सेट जो है आपके चलाए जा रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या आपके हिंदी के थ्योरेटिकल पोर्शन हो या हिंदी ग्रामर के जो है दो सीरीज को चलाए जा रहे हैं, एक आपका एक्सीलेंट पब्लिकेशन का और दूसरा आपका चैप्टर वाइज सीरीज चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। जैसे देखिए, पहला प्रश्न है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बात करने वालों के लिए हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात करने वालों के लिए हो उसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग जो है बात करने वालों के लिए हो, जो बात कर रहा है उसके लिए प्रयोग हो सर्वनाम, तो उसे हम लोग बोलते हैं उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सर्वनाम का भेद है। अब आपको बताना है कि सर्वनाम का भेद कौन है। तो जैसे देखिए, संबंधवाचक, द्रववाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो ये तो इस तरह आपको संबंध में आ गया होगा कौन सा है। तो सर्वनाम का जो भेद होता है वो कौन है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, बाकी आपका ये द्रववाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, ये तो संज्ञा का भेद है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब देखिए, सर्वनाम कहने का अर्थ है कि जो संज्ञा के बदले आता है। तो देखिए, वह, अच्छा, मोहन, माता पिता। तो देखिए, यहाँ पर जो है संज्ञा के बदले यहाँ पर क्या प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या प्रयुक्त हो रहा है, यहाँ पर जो है वह जो है आपका सर्वनाम है। बाकी ये तीनों जो देख रहे हैं, अच्छा, मोहन, माता पिता, क्या है, मोहन और माता पिता, तो ये आपका संज्ञा हो गया। अच्छा क्या हो गया? विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका है, देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अब आपको बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद नहीं है वह क्या नहीं है। तो पुरुष में जो होते हैं तीन आते हैं, एक आते हैं आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ऑप्शन डी वाला जो है, जो निश्चयवाचक देख रहे हैं, यह जो है सर्वनाम का भेद है, बल्कि आपका ना कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है। यह कविता मैंने लिखी है, इसमें जो है आपका सर्वनाम कौन सा है बताना है। तो यहाँ पर बोला है कि मैंने कौन सा सर्वनाम है, यह जो मैंने है यह कौन सा सर्वनाम है। जैसे देखिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक या संबंधवाचक। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, वह आपका हो जाएगा निजवाचक। मतलब कि मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा नीच, नीच मतलब कि मेरा खुद का द्वारा लिखा हुआ, मैंने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है। तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि यह क्या है। तो देखिए, यह गाय बहुत दूध देती है, तो इसमें जो आपका यह का प्रयोग हुआ है वह क्या है आपका, तो वह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब कि यह गाय, मतलब पूरी तरह से दिखाया जा रहा है कि यह जो गाय है यही दूध दे रही है, ना कि दूसरा गाय। तो यहाँ पर क्या है, निश्चयवाचक हो जाएगा। संज्ञा तो होगा नहीं, सर्वनामिक भी नहीं होगा, और निश्चयवाचक मतलब कि जहाँ पर बोध ना हो, लेकिन यहाँ तो बोध हो रहा है ना कि यह गाय दूध दी है, तो इसका मतलब कि यही गाय होगा। तो यहाँ पर निश्चयवाचक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सर्वनाम के कितने भेद है भाई, तो सर्वनाम के जो है 6 भेद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए, किसने, क्या, किसे, सभी। तो देखिए, जहाँ प्रश्न मतलब कि जहाँ पर जो है आपका ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो कहाँ लग रहा है, क्या में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या होगा, देखिए, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका किसने, किसने में भी लगता है, किसे भी लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, मतलब सभी। मतलब कहने का अर्थ है कि किसने, क्या और किसे, ये सभी जो है आपका प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है, मोहन, आप, कमला, गुड़िया। तो देखिए, मोहन, कमला, गुड़िये, ये क्या है, ये सब संज्ञा है। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन बी में, आप, यह जो है आपका सर्वनाम है जो कि संज्ञा के बदले हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, कौन, क्या, किसने, किसे, कौन सा सर्वनाम है। तो ये सभी में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना कि कौन, क्या,
किसने किसे कौन सा सर्वनाम है, तो यह सब हमारा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि जो, देखिए जो, वह, जिसे, उसे, जो, सो, कौन सा सर्वनाम है। तो जहाँ पर यह सब आपको वर्ड दिखे कि जो, वह, जिसे, उसे, जो, सो, तो यह सभी जो है आपका संबंध बताता है ना। देखिए जो जो लड़का वहाँ खड़ा था वह मेरा भाई था, तो यहाँ क्या है, वह संबंध बता रहा है, वह लड़का मेरा भाई है। फिर देखिए जिसे तुमने देखा वह मेरा भाई था, उसे मेरा नाम पता था क्योंकि वह मेरा भाई था। तो इसका आंसर मतलब कि संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न को देखिए, तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। यह जो क्या है, क्या मतलब कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अरे यहाँ पर आपका है क्षितिज पर नहीं में कारक है। अरे में जो है पूछ रहा है कि यहाँ पर क्षितिज पर नहीं में कारक है, क्या है, अरे पर नहीं क्षितिज, यहाँ पूछ रहा है कि कारक क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि कारक आपको मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पर कारक क्या है, पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यह पर जो है कारक है। नेक्स्ट है, ने का प्रयोग होता है, तो ने का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, अकर्मक क्रिया के कर्ता के पद में ने का प्रयोग होता है। अकर्मक मतलब ना होता है, सकर्मक मतलब हाँ होता है, सामान्य भूत, असामान्य भूत या पूर्व एवं संदिग्ध भूत में, तो इसमें भी हम लोग ने का प्रयोग करते हैं। संयुक्त क्रिया के अंतर्गत जो सकर्मक पद होता है उसमें भी ने का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मतलब कि सभी में जो है हम लोग ने का प्रयोग करते हैं। तो अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या है देख लेते हैं, मैं, हम सब कौन सा पुरुष है। देखिए मैं, हम और हम सब कौन सा पुरुष है, तो यह जो है आपका उत्तम पुरुष है, मतलब कि उत्तम पुरुष है पहला। नेक्स्ट आपका है तू, तुम, आप और आप सब कौन सा पुरुष है, तो यह क्या होगा भाई, यह तो मध्यम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष मतलब कि मैं, हम सब, और यहाँ पर जो आपका मध्यम पुरुष क्या होगा, तू, तुम, आप और आप सब। नेक्स्ट है अब आपका वह, वे, यह और ये आप कौन सा समास है, तो देखिए यह तो आपको मालूम होगा लगातार प्रश्न आ रहा है, तो जहाँ पर वह दिखे, वे दिखे, यह दिखे और ये दिखे, तो ये आपका अन्य पुरुष हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह वह कौन सा समास है, यह और वह कौन सा समास है, तो यह और वह जो है आपका मतलब कि निश्चयवाचक है, कि निश्चित है कि यह है न तो वह है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, अपने आप ही, आप स्वयं कौन सा समास है, अपने आप ही और आप स्वयं कौन सा समास है। देखिए अपने आप ही, तो इसमें जो आपका जो सर्वनाम पूछ रहा है कि कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक, निश्चय मतलब कि निश्चित तौर पर है, लेकिन निज मतलब खुद का, अपना। नेक्स्ट है आपका, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, देखिए यह, वह, कोई और आप, तो यहाँ पर जो है आपका जो यहाँ पर दिख रहा है कोई, मतलब कोई वहाँ दरवाजे पर खड़ा है, तो कौन है भाई नहीं मालूम है, तो वह क्या हो गया, अनिश्चयवाचक है, लेकिन मालूम है कि राहुल दरवाजे पर खड़ा है, तो वह क्या होगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, कोई, किसी, कुछ, यह, तो यहाँ देखिए मतलब कि आ गया आपका वही प्रश्न, तो यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर जो है यह राम खड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कन्फर्म है, निश्चय है। फिर आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उनके जो होते हैं तीन होते हैं प्रकार, आपका क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट आपका है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यह जो है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे मतलब कि यहाँ पर उत्तम पुरुष, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट ही प्रश्न हमारा दो है, वह जा रहा है वाक्य में कौन सा समास है, वह जा रहा है मतलब कि निश्चयवाचक है कि राम जा रहा है, निश्चय है कि वह जा रहा है, कोई ना कोई तो वह निश्चय है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन है, यहाँ पर संबंध दर्शाना है, तो संबंध के लिए मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर जो है जो जहाँ पर दिखे वो आपका संबंधवाचक हो जाता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।